लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं आपको हकीकत बताऊं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी बालिका का बयान मैं बता रहा हूँ आपको, बालिका का बयान वो कह रही है आखिरकार कि मैं अपनी मर्जी से कई लड़के के साथ, कोई बालिका इस बात को नहीं कहती है, वो ये कहती है आपने पढ़ा ही नहीं फिर बयान लड़की का क्या निकल के आ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट बयान क्या है। वो बालिका, उस बालिका ने कहा मदरसे में इस प्रकार की 40 से 50 अन्य बालिकाएं थी, पुलिस के द्वारा घटना लीक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनाब माता पिता ने झूठ बोला, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में निकल के आया। कैसी बात करते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में झूठ बोल सकता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ बोल रहा है, लाई डिटेक्टर लव जिहाद का आपके पास सबूत क्या है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि जहाँ जहाँ भी गए महिलाओं ने बोला कि वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ, बालिकाओं के बारे में क्यों हो रहा है, मुस्लिम बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं हो रहा है? आपको कैसे मालूम नहीं होगा, कई सारे ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पे मुस्लिम बालिकाओं ने हिंदुओं से शादी की, वो आपको नहीं दिखता। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार मुस्लिम बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, हिंदू बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये भी आपका आरोप है। मैं कह रहा हूँ जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बोली, हाथ के नाम पर लव दिखाया जा रहा है। आप इस तरह के बयानों से इसमें सत्य कुछ है, आरोप कुछ है, देश पोलराइज हो रहा है, क्या ये ठीक है? मेरे आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देश के हित के लिए मैं कह रहा हूँ, देश का हित कैसा हुआ, आपका हित निकलेगा अराजकता के पीछे, इसका भी सबूत नहीं है। जैसे क्या सबूत है? मैंने कहा सहारनपुर की घटना के सामने उदाहरण है, कांड की घटना के सामने उदाहरण है, मुजफ्फरनगर की घटना के सामने उदाहरण है, हाल के दिनों में आ रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। जो सांप्रदायिक एजेंडा इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ था उसकी पाणति है, और वो लगातार पिछले 10 वर्षों से कहा यह जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद पिछले 10 वर्षों था, राइट विंग फ्रिंज था, पिछले 10 वर्षों के जो ऐसे तत्व थे जो कि पहले किनारे थे अब वो सेंटर स्टेज आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, संसद की पूरी बहस आपने सुनी होगी, किसी भी सदस्य ने विपक्ष के किसी भी सदस्य यानी कांग्रेस सपा आरजेडी या किसी भी सदस्य ने इस प्रकार के झूठी अफवाह फैलाने के सिवाय कोई तथ्य दिया, कोई उदाहरण दिया? हमने तो बहुत सारे उदाहरण उनको दिए हैं। सहारनपुर का दंगा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था, पुलिस को मालूम था। देखिए कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, ये दंगे वहीं पर क्यों हो रहे हैं जो कांग्रेस शासित राज्य है या कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी जेडीयू या फिर अन्य उनके सहयोगी दलों के जो सरकारें वहीं पर क्यों हो रही है? कारण है प्रशासन शासन की मंशा के अनुसार कार्य करता है, और प्रशासन जानता है कि वहां का स्थानीय जो राज्य सरकार है वो नहीं चाहती है कि इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो जो दंगा भर का पड़का रहे हैं या जो इस अराजकता के पीछे। इसका भी सबूत नहीं है, जैसे क्या सबूत है? मैंने कहा सहारनपुर की घटना के सामने उदाहरण है, कांड की घटना के सामने उदाहरण है, मुजफ्फरनगर की घटना के सामने उदाहरण है। हाल के दिनों में आरएसएस बीजेपी वीएचपी ने लव जिहाद के मुद्दे को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े तरीके से निकाला है, रक्षाबंधन पर राखियां बांधी गई, साथ के साथ पोस्टर डाले गए सैफ अली खान के, किस तरीके से दो हिंदू महिलाओं को लेकर भाग गए। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद हकीकत है? आप साथ देखिए ये लव जिहाद शब्द कहाँ से आया मालूम है? कहाँ से? केरल से प्रारंभ हुआ है, और केरल के अंदर सबसे पहले घटनाओं को सामने लाया गया था 2007 में, 2003 से लेकर के 2007 तक मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, और 2006 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए नोटिस जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाओं के गायब होने, हिंदू बालिकाओं के साथ जबरन करने की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया, अब भी नहीं किया। इस बार पुनः 2012 में जब ये लोग आए हैं उसके बाद से फिर इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं आपको हकीकत बताऊं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। हमारे संवाददाता निकले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छांट छांट कर, गांव में जाके, देहात में जाके, शहरों में जाके, पुलिस स्टेशनों में जाके लोगों से बात की, निकल के आया कि जितने भी ऐसे केस थे वहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से
मेरी बात सुनिए योगी आदित्यनाथ जी, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। पूरे समुदाय को आप बुरा नाम दे रहे हैं, हकीकत आप एक साजिश कराते रहे, बिल्कुल साजिश है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस भी महिला से बात करो वो कहती है कि अपनी मर्जी से गई, मर्जी से नहीं। ये हकीकत है, जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। अभी मेरठ के अंदर जो घटना घटित थी, क्या निकला उसमें? महिला ने आखिर में क्या बोला कि मैं अपनी मर्जी से गई? महिला ने जब लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, जब उसके पेरेंट्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, तो उसमें निकल के आया कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत है योगी जी, कहते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। बालिका का बयान मैं बता रहा हूँ आपको, बालिका का बयान, वो कह रही है आखिरकार कि मैं अपनी मर्जी से कई लड़के के साथ। कोई बालिका इस बात को नहीं कहती है, वो ये कहती है। आपने पढ़ा ही नहीं फिर बयान का क्या निकल के आया है? मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट बयान क्या है। वो बालिका, उस बालिका ने कहा मदरसे में इस प्रकार की 40 से 50 अन्य बालिकाएं थी, पुलिस के द्वारा घटना लीक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनाब माता पिता ने झूठ बोला, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में निकल के आया है। कैसी बात करते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में झूठ बोल सकता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ बोल रहा है, लाई डिटेक्टर सच। लव जिहाद का आपके पास सबूत क्या है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि जहाँ जहाँ भी गए महिलाओं ने बोला कि वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ। हिंदू बालिकाओं के बारे में क्यों हो रहा है, मुस्लिम बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं हो रहा है? आपको कैसे मालूम नहीं हो रहा? कई सारे ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पे मुस्लिम बालिकाओं ने हिंदुओं से शादी की, वो आपको नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार मुस्लिम बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, हिंदू बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये भी आपका आरोप है, जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बोली कि आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो दिखाता है कि लव जिहाद नाम की कंस्पिरेसी चल रही है। ये ढोंग है, ढोंग नहीं, ये फरेब है, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश है। ये सच्चाई है, और ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर ये उनके जिहाद का एक हिस्सा है और उसके तहत ही हो रहा है। आप क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसी किसी सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद हो रहा है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ प्यार करती है और शादी करती है तो लव जिहाद नहीं जनाब, वो लव होता है। और उसके खिलाफ किसी भी योगी जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर लव दिखाया जा रहा है। आप इस तरह के बयानों से इसमें सत्य कुछ है, आरोप कुछ है, देश पोलराइज हो रहा है, क्या ये ठीक है? मेरे आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देश के हित के लिए मैं कह रहा हूँ। देश का हित कैसा हुआ? आपका हित निकलेगा वहाँ पे जब असेंबली इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है बीजेपी को फायदा हो। असेंबली के लिए नहीं है हमारा।